हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ये मेलबोर्न कंपनी का एलईडी है। इसको हमने खोल के ही लगाया, तो इसको हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसका इंडिकेटर तो जल रहा है लेकिन ये स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा है। तो जब हम रिमोट से भी करेंगे तो हमारा रिलीज नहीं होता, और एक की बोर्ड से भी हम करेंगे तो ये हमारा स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा है। ये हमारे सभी वोल्टेज यहाँ के बराबर हैं लेकिन ये हमारा प्रोसेसर ऐसी ख़राब है। तो इस बोर्ड को हम चेंज करेंगे और इसकी जगह दूसरा नया बोर्ड लगाएंगे। तो ये हमारे सभी रेगुलेटर 3.3 वोल्ट ये भी आ रहा है, ये 1.2 वोल्ट भी हमारा बराबर है, ये 1.8 भी हमारा बराबर है, ये फ्लैश पे भी 3.3 वोल्ट बराबर है। सब आए हमारे सभी वोल्टेज बराबर है लेकिन ये स्टैंड बाय रिलीज नहीं हो रहा है। तो इसके जगह हम ये जो मार्केट में बोर्ड आता है VS-T56U 11.2, ये काफ़ी फेमस बोर्ड है और इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। ये हम 17 इंच से लेके 32 इंच के एलईडी में इसको लगा सकते हैं। तो आइए हम इसे किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो इसको हमने ऑफ कर दिया, तो इसको लगाने के समय हमको ध्यान में ये रखना है कि इसके जो IR कनेक्शन है वो हमको मैच करना पड़ता है। तो देख पाएंगे ये 5 वोल्ट और इसका भी 5 वोल्ट है, दूसरा IR है तो इसका भी IR है, फिर ग्राउंड है, इसका भी ग्राउंड है, फिर KO यानी वो स्टैंड बाई का है, फिर रेड ग्रीन ये भी बराबर है, फिर ग्राउंड है, फिर ये बाकी कीज के हैं, वॉल्यूम है, चैनल है, मेनू है, इनपुट है, यानी ये हमारे ये बोर्ड और इस बोर्ड के सेम है। उसके बाद में एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे पैनल VCC वोल्टेज। तो ये हमारा पैनल कितने होल्ट का है ये देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे को पैनल वोल्टेज हमारा बराबर सेट किया हुआ नहीं होगा और हमारा पैनल कम होल्ट का होगा और ज़्यादा होल्ट पे यहाँ बोर्ड पे हमारा सेट किया होगा तो हमारा पैनल ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये पैनल हमारा कितने होल्ट पे रन करता है। तो ये हमारा पैनल 3.3 होल्ट पे रन करता है, तो ये पैनल हमारा 3.3 होल्ट का है और यहाँ भी हमारा ये जंपर देख पाएंगे ये 3.3 होल्ट पे सेट किया हुआ है। तो हम इस बोर्ड को भी 3.3 होल्ट पे सेट करेंगे, ये हमारा 3.3 होल्ट पे भी हो सेट किया हुआ है, तो इसे लगाएंगे। ये हम IR की बाद में निकाल लेंगे क्योंकि ये हमारा इसका IR की सेम है, और ये हमारा जो इसमें बैकलाइट लगी है CFL वाली है, इसका ये CFL इन्वर्टर बोर्ड है।
बस स्क्रू लगा देंगे ताकि ये इधर उधर हिले ना। और इस बोर्ड की एक खासियत है कि इसमें कोई भी हमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। ये रेगुलेशन कोड पे हमारा पैनल एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे बैकलाइट ड्राइवर के कनेक्शन है, ये हम यहाँ लगा देंगे। ये हमारा साउंड का है, ये हम साउंड किए यहाँ लगा देंगे। तो हमने ये सब कनेक्शन कर दिए हैं। ये देख पाएंगे हमारा इंडिकेटर जल गए हैं। हम इसे कीबोर्ड की सहायता से रिलीज करेंगे। ये देख पाएंगे हमारा ये रिलीज हो गया है। तो हमने जो पैनल वोल्टेज जो 3.3 वोल्ट सेट किए थे वो हमारा यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लेंगे। ये 3.3 यानी 4 वोल्ट ठीक है, ये हमारा ओके हो गया। तो अभी हम LVDS केबल लगाएंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये हमने लगा दिया है, अभी इसको चालू करेंगे हम। स्टैंड बाय रिलीज हो गया। तो ये हमारा स्टैंड बाय रिलीज हो गया है। ये हमारा डिस्प्ले भी आ रहा है, देखिए आप देख पा रहे होंगे हमारा पिक्चर कुछ ऐसा आ रहा है। और एक इस साइड से भी पिक्चर हमारा कट रहा है और साइड से पिक्चर कट रहा है और ये मैपिंग का प्रॉब्लम है और उल्टा भी है। तो सबसे पहले हम इसको डाटा खोल के इसकी मैपिंग करेंगे और इस जो उल्टा पिक्चर है मिरर, उसको मिरर ऑप्शन में जाके सीधा करेंगे। तो उसके लिए हम क्या दबाएंगे, मेनू 1147। तो ये हमारा कट रहा है तो हमको कुछ नहीं रहे। तो सबसे पहले हम इसको इसका पैनल एडजस्ट करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कोड डालेंगे हम इनपुट 3118 2। तो ये हमारा सेट बंद होके अपने आप चल हो जाएगा। ये देखो रहेंगे हमारा सेट ऑटोमेटिक ऑन हो गया है। तो अभी हम इसका मैपिंग सेट करेंगे, उसके लिए हम दबाएंगे मेनू 1147। ये देखो रहेंगे हमारा आ गया। तो इसमें हम जाएंगे पैनल एडजस्ट में, पैनल एडजस्ट में गए। ये आप नीचे देखो रहेंगे, सबसे पहले हम इसकी बिट एडजस्ट करेंगे। देख करेंगे हमारा भी पिक्चर बिल्कुल ओके है लेकिन उल्टा है। तो इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए ये देख करेंगे पैनल मिरर दिख रहा है, ये ऑन है, इसको ऑफ करेंगे हम। ये हमारा पिक्चर ओके हो गया। ये जो पैनल ऑन था इसको ऑफ कर दिए, फिर मिरर दबाएंगे। ये अभी हमको बीट सेट करना है, 8 बीट का है हमारा 980। मेरे दबाएंगे स्पेशल सेट में जाकर
लोगो ऑन भी कर सकते हैं। इसको ऑन जब करेंगे तो ये हमारे कुछ सैमसंग एलजी सोनी ये कैप्चर आ गए ऑप है। हम इसमें कौन सा भी लोगो इनबिल्ड भी कर सकते हैं या फिर जो दिए हुए हैं वो भी लोगो सेट कर सकते हैं। नहीं दबाएंगे और ये जो पावर ऑफ है इसको ऑन करने से हमारा टीवी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसको अगर हम ऑन करते हैं और इसको हम अभी पूरा बैक करेंगे, बैक करने के बाद में हम इसको पावर ऑफ कर देंगे। ये पावर ऑफ कर दिया, पावर ऑन करेंगे, ये हमारा रेड लाइट जल गया, ऑटोमेटिक स्टैंड बाय रिलीज हो जाएगा। और हमारी पिक्चर भी ओके हो गया। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से हम किसी भी एलईडी में जब हमारा पुराना बोर्ड ख़राब होता है तो उसकी जगह नया बोर्ड डाल सकते हैं।